हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल फ्लावर की एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा सिंपल डिज़ाइन है ये एंड बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ मैंने एक सिंपल सा फ्लावर ड्रॉ कर लिया है। तो ये देखिए, इस तरीके से आप भी इसको ईजिली इसको आप बना लेंगे, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। तो मैंने यहाँ फ्लावर को ड्रॉ कर लिया है। देन उसके बाद मैं इसको मटेरियल दिखा देती हूँ आपको। ये लिया है मैंने कटदाना, तो ये छोटे साइज का कटदाना है। एंड इसके बाद लेंगे हम ये वाइट कलर के स्टोन। यहाँ लिए मैंने छोटे साइज के पल भी। तो यहाँ लिया है मैंने सुई ली है निडल, एंड नीचे के साइड से सुई को ऊपर लेंगे, दो या तीन कटदाने को इसमें इंसर्ट करेंगे। देन इस तरीके से सुई को दोबारा से नीचे की साइड लेकर जाएंगे। तो यहाँ सेंटर में जो मैंने गोला बनाया है उसी के ऊपर हमको कटदाने को लगाना है। तो इस तरीके से हम लगाते जाएंगे। अगर आपको आरी वर्क नहीं आता है तो आप सुई से भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ आपको सुई से लगाकर दिखाया है पहले। देन उसके बाद अब मैं इसको आरी से करूँगी, कि आरी से लगाने से थोड़ा जल्दी लग जाता है और ईजी भी हो जाता है। तो फ्रेंड, पूरा कंप्लीट होने के बाद सीरियसली ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था। इतना तो मैंने भी नहीं सोचा था इतना अच्छा लगने वाला है। वाकई में ये जो डिज़ाइन है वो बहुत अच्छा लग रहा था। आप इसको अपनी कुर्ती पर, दामन पे, स्लीव्स पर, अपने दुपट्टे के कोने पर, कहीं पर भी आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग डिज़ाइन है। एंड इस डिज़ाइन को बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है। तो आप इजीली इसको सुई की हेल्प से भी बहुत आराम से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये देखिए, यहाँ हमने सर्कल पे कटदाना लगा लिया है। देन उसके बाद हम यहाँ फैब्रिक ग्लू को अप्लाई करेंगे। देन जो हमने वाइट कलर के स्टोन लिए थे उनको हम इसके ऊपर लगा देंगे इस तरीके से। सो फ्रेंड, मैंने आपको एक जस्ट एक पैच बनाकर दिखाया है, फ्लावर बनाकर दिखाया है। आप चाहो तो अपनी कुर्ती पर दो तीन चार, जिस तरीके से आपने थंबनेल में देखा होगा उस तरह से भी आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। पर मैंने आपको एक पैच ही, एक डिज़ाइन ही बनाकर दिखाया है। इसी तरीके से आप तीन चार फ्लावर आराम से इजीली बना सकते हैं। तो ये देखिए, हमारा सर्कल जो है हमारा फिल हो गया, स्टोन हमारे लग गए हैं। देन उसके बाद हमने छोटे साइज के पल बीट लिए थे, उनको हम यहाँ जो हमने मार्किंग की है उस पर लगाएंगे। तो फ्रेंड, मैं आरी से लगा रही हूँ। अगर आपको आरी चलाना नहीं आता है, आप इजीली इसको सुई से भी लगा सकते हैं, नॉर्मल तरीके से भी सुई से लग जाएगा। सो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो फ्रेंड, इसी तरीके से हमको सारे फ्लावर्स को पल बीट से कवर कर देना है। सो यू कैन सी फ्रेंड, ये देखिए ये हमारा फ्लावर है, वो अभी ही कितना अमेजिंग लग रहा है। देन उसके बाद जो हमने कटदाना लिया था उसका यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से फ्लावर के अंदर हमको 5-6-7 जितनी मतलब आपके मतलब फ्लावर जितना बड़ा हो उसके अकॉर्डिंग ही ये इस तरीके से सीधी सीधी लाइनें खींचनी है। और यहाँ हम कटदाना लगाएंगे। तो एक कटदाना लगाया है एंड एक कटदाने की जगह छोड़ते हुए फिर दूसरा कटदाना लगाया है, फिर एक कटदाने की जगह छोड़ते हुए फिर हमने कटदाना लगाया है। तो इस तरीके से हमको कटदाना लगाना है एंड इससे ये बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था, बहुत खूबसूरत इसका लुक आया था। सो इसी तरीके से हमको जो जितने भी हमने लाइनें खींची हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे, उन पर कटदाना लगा देंगे। और आप इसको सुई से भी लगा सकते हैं। सो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है या आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करिए। सो फ्रेंड, इसी तरीके से हम अपने पूरे डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेंगे एंड बहुत सिंपल और बहुत ज़्यादा ईजी है, बनने के बाद बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। सो यू कैन सी फ्रेंड, ये देखिए कितना अमेजिंग लग रहा है, मैं भी खुद शॉक्ड हो गई थी कि कितना अमेजिंग लग रहा है, मैंने भी नहीं सोचा था इतना अच्छा लगेगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।